जोश न ठंडा होने पाए, कदम बढ़ाता चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। हर एक सिविल इंजीनियर अपनी लाइफ में सक्सेस तो होना चाहता है। जिसने सिविल इंजीनियरिंग लिया है उसके माइंड में ये कन्फ्यूजन तो जरूर रहता है कि यार इतनी लो सैलरी से स्टार्ट करके अरबपति और करोड़पति कब बनेंगे। कोई भी आदमी गरीब नहीं रहना चाहता, ना कोई गरीब आदमी ना कोई अमीर आदमी गरीब होना चाहता है। कोई भी अपने ट्रेन की जर्नी जर्नल के डब्बे में ट्रैवल नहीं करना चाहता। सब यदि ट्रेन में भी सफ़र करना पड़े तो एसी कोच ही चाहते हैं और एक अपनी लाइफ स्टाइल बहुत ही आलीशान चाहते हैं। लेकिन क्या कारण है कि हर एक सिविल इंजीनियर अपनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता? और बहुत सारे सिविल इंजीनियर को तो ये भी नहीं पता होगा, ये सोच भी नहीं पाते होंगे कि कभी वो अरबपति या करोड़पति बन सकते हैं। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या सिविल इंजीनियर अच्छा पैसा कमा सकता है? क्या सिविल इंजीनियर कभी अरबपति बन सकता है? सिविल इंजीनियरिंग के रूप में पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यदि आपके पास कुछ ऑप्शन है तो नीचे कमेंट में जरूर चाहूंगा कि आप कमेंट करें, और जितने भी लोग उस कमेंट को पढ़े मैं पर्सनली आके आपको गाइड करूंगा और सजेस्ट करूंगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहे तो कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर होगा जो आपकी मंजिलों तक पहुंचाने में आपका हेल्प जरूर करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल, जियोटेक्निकल, ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रक्चरल, वाटर रिसोर्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक, म्यूनिसिपल एंड अर्बन इंजीनियरिंग, इस टॉपिक में बात नहीं करने वाला हूं यार। इसके लिए आप ये जो थंबनेल पे मैंने दिया है सिविल इंजीनियरिंग लेने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। ऊपर आई बटन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, ये वीडियो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन आज मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला, आज मैं बात करता हूं कैसे मैं आपको करोड़पति और अरबपति बना सकता हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। गवर्नमेंट सेक्टर, आईएएस, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पब्लिक सेक्टर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैनेजरियल डिपार्टमेंट, आरएनडी डिपार्टमेंट, इस टॉपिक में भी मैं आज बात नहीं करने वाला हूं। इस टॉपिक के लिए भी मैंने आई बटन में दे रखा है क्या करें सिविल इंजीनियर बनने के बाद, सिविल इंजीनियरिंग के बाद किस किस सेक्टर में जाके आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट और पीएसयू सेक्टर में चेक कर सकते हो, इसका भी मैंने ऊपर आई बटन में एक वीडियो दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। हम प्राइवेट सेक्टर की भी बात करते हैं, जूनियर इंजीनियर, सीनियर, क्यूए क्यूसी, क्वांटिटी सर्वेयर, बिलिंग एंड प्लानिंग, प्रोक्रूटमेंट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, जनरल मैनेजर, इस टॉपिक की भी बात नहीं करूंगा। जॉब पर्सनालिटी की मैं बात नहीं करने वाला हूं। इन सारे अर्निंग हैंड से आप लखपति बन सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट करें तो एक लंबे समय पे आप करोड़पति भी बन सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक की भी बात नहीं करूंगा। आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पे जो बहुत ही कम लोग अजमाते हैं, बहुत कम लोगों को पता है। इस टॉपिक के भी को भी कवर करने के लिए पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ये भी मैंने आई बटन पे दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसको भी जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस सेक्टर के बारे में कि स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन बिजनेस सेक्टर। बिजनेस करना उतना ही आसान है यदि आप किसी भी क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं, तो जिस तरीके से क्रिकेट के अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग डिसीजन लेते हैं, अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्लेयर को भेजते हैं मैच को जिताने के लिए, उसी तरीके से हम बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस में सबसे पहला पार्ट आसान तरीका लैंड सर्वेयर। लैंड सर्वेयर का मतलब आज इंस्ट्रूमेंट इतने महंगे हो चुके हैं, ऑटो लेवल थर्डोलाइट से काम नहीं होता या लैंड सर्वेइंग का। लैंड सर्वेइंग का काम होता है टोटल स्टेशन टीएस से या डीजीपीएस से, ये दोनों इक्विपमेंट बहुत ही महंगे हैं। डीजीपीएस सबसे मिनिमम 6 से 8 लाख रुपए का मिलता है, टोटल स्टेशन मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए का मिलता है। अब इतना इन्वेस्टमेंट कोई भी बिल्डर या गवर्नमेंट एजेंसी करती नहीं, इसके लिए वो एक्सटर्नल एजेंसी हायर करती है, और यदि आपका नेटवर्क और आपका सर्विस बहुत अच्छा है तो आप लैंड सर्वेयर में आगे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। कंपटीशन की बात करें तो आज इंडस्ट्री में इस हैवी इन्वेस्टमेंट के कारण बहुत ही कम इंडस्ट्री है जो इसमें इन्वेस्ट की हुई है और इसमें घुसी हुई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नून लगे ना फिटकरी की बात करते हैं कि जिसमें पैसा ही नहीं लगता। कोई भी कंसल्टेंट बनने के लिए ना पैसा नहीं लगता, ब्रेन लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। ब्रेन और एक्सपीरियंस का मतलब कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट। आज सोचो आपके एरिया पे 100 घर यदि बन रहे हैं ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 ही घर ऐसे होंगे जिसके पास आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है, बाकी सब घर कॉन्ट्रैक्टर ही बनाता है। और यदि आपका डीलिंग प्रोफाइल अच्छा है, यदि आपका जो आपकी ब्रांडिंग है, सेल्फ ब्रांडिंग आपके एरिया पे आपके सिटी में अच्छी है, नहीं है तो करनी पड़ेगी, वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से ब्रांडिंग होती है। यदि आपकी ब्रांडिंग, आपकी सेल्फ एटीट्यूड बहुत अच्छा है, आपके पास नॉलेज अच्छा है, आप लोगों को इससे चीट नहीं करते, लोगों को वो सर्विस देते हैं जिसके वो हकदार हैं। सोचो एक घर में जब आदमी अपने जीवन भर का पूंजी 25 से 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, वो भी कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे, और यदि उसको रियल में सिविल इंजीनियर का सर्विस मिल गया कि उसके काम की एक्यूरेसी के साथ उसको अपडेट किया, क्योंकि जीवन भर उसको रहना है, और यदि आपने काम ऐसा कर दिखाया कि जीवन भर आपका नाम ले, यार क्या इंजीनियर था जिसने मेरे को इतना अच्छा सर्विस प्रोवाइड
प्रोवाइड किया, लेकिन एकदम तुच्छ अमाउंट पे, ऐसा अमाउंट कि वो ना ना बोल सके और आप मल्टीपल टास्क कर सके, मल्टीपल बिल्डिंग ले सके सुपरविजन के लिए। और जैसे जैसे काम बढ़ते जाएगा आप लोगों को हायर करते जाए, अपने नीचे लोग रखते जाए, आप सिर्फ मैनेज करो उन्हें। जिस तरीके से कि आप क्रिकेट टीम की बात करते हैं कि पहले हम खुद खेलते हैं, कि हम पहले खुद सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और यदि लोगों को सर्विस अच्छे लगने लगा तो हम नए इंजीनियर अपॉइंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनसे सर्विस दिलवाते हैं। तो उस तरीके से कंपनी बड़ी होती जाती है। आगे बात करता हूं मैं मटेरियल सप्लायर। सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका कि मटेरियल सप्लायर में आपको इन स्टॉक रखना ही नहीं है, रिक्वायरमेंट पता करना है और सुपर स्टॉकर से जाके मटेरियल भेज देना है। मतलब इसको दलाली कह सकते हो, एजेंट वाइज वर्क कर सकते हो, लेकिन एक नाम अच्छा है मटेरियल सप्लायर। मटेरियल सप्लायर का मतलब आपको खदान नहीं लेना है, आपको सीमेंट की फैक्ट्री नहीं डालनी है, आपको स्टील की फैक्ट्री नहीं डालनी है, आपको बीच का मीडिएटर बनना है। आपको नंबर ऑफ जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जहां जहां घर बन रहे हैं, यदि आपने कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट बन गए तो आपको पता होगा किस बिल्डिंग पे, किस एरिया पे कौन सा मटेरियल कब लगने वाला है, आप अपने बहुत ही आसानी से मटेरियल की सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मटेरियल मैन्युफैक्चरर की बहुत ही आसानी से आप ब्रिक का प्लांट खोल सकते हैं। हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिलता है, इसके बारे में मैं आगे बहुत अच्छा वीडियो बना दूंगा। लेकिन बहुत सारे मटेरियल का आप स्टार्ट कर सकते हो, आप एग्रीगेट क्रशर प्लांट डाल सकते हो, आप स्टील की रोलिंग मिल डाल सकते हो। हैवी इन्वेस्टमेंट है ये काम 5 लाख 10 लाख रुपए में काम होने वाले नहीं है। यदि आपके पास बैंक बैलेंस है या फिर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आप बैंक से भी लोन ले सकते हो अपने अप्रूवल के साथ, यदि आपके सीए ने आपको मदद कर दिया तो। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो पहले बनाया था कि किस तरीके से वैदिक प्लास्टर मतलब गोबर की मदद से हमने प्लास्टर बना रखा है। चंडीगढ़ के रोहतक में रहने वाले शिव दर्शन मलिक जी ने खुद के इन्वेस्टमेंट पे नया प्रोडक्ट बनाया हुआ है, वैदिक प्लास्टर, वैदिक पेंट, वैदिक ब्रिक। सोचो, गोबर से ब्रिक बना लिए, पेंट बना लिए, प्लास्टर बना लिए, किस तरीके से खुद का मैन्युफैक्चरिंग डाल के वैसा प्रोडक्ट जो इस इंडस्ट्री को आज नीड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जिस तरीके से आज सिविल गुरुजी लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर दिया है कि 2 से 3 सालों पे ही इंडिया के लेवल पे स्टैब्लिश कर दिया अपने सेंटर्स को, अलग अलग ब्रांचेस स्टार्ट कर दिया। इतनी जल्दी कोई भी इंस्टीट्यूट एक्सपांड ही नहीं कर पाती, बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो जीवन काल तक एक ही सेंटर में बने रह जाते हैं। और जो इंस्टीट्यूट आगे भी बढ़ती है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कैसे हम नंबर्स ऑफ इंजीनियर्स की इनरोलमेंट बढ़ाए। लेकिन सिविल गुरुजी ने स्टार्टिंग से ही अपनी सीट को लिमिटेड रखा और क्वालिटी अपडेट किया कि जो इंजीनियर सिविल गुरु से सीख के जाएगा, जो इंजीनियर सिविल गुरु से ट्रेनिंग लेके जाएगा, वो अपने करियर में अपनी ऊंचाइयों तक जरूर पाएगा, जिसका वो हकदार है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आईटी सर्विस डेवलपमेंट। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं यार, जिस तरीके से सोचो जोमैटो। जोमैटो ने क्या किया, वेटर को उठा के मार्केट में ले आया। जो वेटर पहले अंदर काम करते थे उस वेटर को बाइक देके रोड में खड़े कर दिया है। उसी तरीके से सिविल इंजीनियर क्यों नहीं। सोचो आज कितना गैप इस इंडस्ट्री में, जो 90 घरों की मैं बात कर रहा हूं, जिसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट बनना है। यदि आपने कुछ ऐसा एप्लीकेशन डेवलप कर दिया कि सारे के सारे जो कस्टमर है वो आपके एप्लीकेशन से ऑपरेट हो रहे हैं, तो एप्लीकेशन से ऑपरेट होकर आप मटेरियल सप्लायर को भी वहीं कनेक्ट कर सकते हो, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लोगों को ट्रेनिंग दिलवा के, उसी एप्लीकेशन का ट्रेनिंग दिलवा के आप अगेन कंस्ट्रक्शन में, आप कंसल्टेंसी में आप डेवलप कर सकते हो। सोचो आज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्राइमावेरा है क्या, ये एक कंसल्टेंसी का रूप है कि तो है कि किस तरीके से आप अपने मैनेजमेंट को, किस तरीके से आप अपने कंपनी को ऑपरेट करोगे। जिसको जरूरत लगी उसने आईटी डेवलप कराया। सोचो ये आईटी जो सीएसआईटी की बात करते हो ना यार, ये खुद कुछ नहीं क्रिएट करते, इनको बताया जाता है क्या क्रिएट करना है। सोचो 1990 से पहले जिसके पास ऑटोकैड नहीं रहा होगा, 1987 में 1980 में लोग पूरा मैनुअली ड्राफ्ट करते होंगे, लेकिन आज उस समय किसी ने सोचा था क्या कि ये ऐसा भी कोई सॉफ्टवेयर आएगा कि जब हम सिर्फ एक लाइन एल टाइप करेंगे तो लाइन बन जाएगा, सी टाइप करेंगे तो सर्कल बन जाएगा। किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन किसी ने मेहनत करके उसको अपडेट करते गया। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20 से 30 साल ही हुआ है इस सॉफ्टवेयर को आए हुए। इसी तरीके से ना जाने आगे और कौन कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे। यदि आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिसमें आपको फंडिंग की जरूरत है, आपको प्लानिंग की जरूरत है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको मेंटर की जरूरत है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए, मैं जरूर आप लोगों से कॉन्टैक्ट करूंगा। और हर एक टॉपिक पे अपन बात करेंगे किस तरीके से हम सिविल इंजीनियरिंग के इंडस्ट्री को बढ़ा लें। सोचो आज गूगल बंद हो जाए, कितनी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। सोचो आज माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, तो जो पीपीटी मैंने बनाया है वो पीपीटी नहीं बना पाऊंगा, मेरे को और दूसरे सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी। बहुत सारी कंपनियों के वर्क खत्म हो जाएंगे, एक्सेल गायब हो जाएगा, वर्ड गायब हो जाएगा, पावर पॉइंट गायब हो जाएगा, ना जाने कितने सारे कंपनी इसी के भरोसे चलती हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ बना डालें कि जिससे सिविल इंडस्ट्री चले, सिविल इंजीनियर का ग्रोथ हो, सिविल इंजीनियर्स का ग्रोथ हो, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। और यही सब पॉइंट है जिसमें से आप एकदम कम समय पे एक अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं, जिससे आप करोड़पति और अरबपति बन सकते हैं। लैंड सर्वर यार, यदि एक बार आपका नाम चल गया
तो पूरी कॉलोनी उठ के आती है, यार मेरा लैंड सर्वे कर ले, पूरा मेरा खेत है उसको पार्टीशन कर दे, मेरे को उसमें प्लॉटिंग करनी है। किसी ने नया टाउनशिप डेवलप किया है तो उसके पूरे टाउनशिप में आप एक्वायर कर सकते हो कि भैया 0 से लेकर 100 तक पूरा सर्वे, ड्रेनेज लाइन, रोड लाइन, उसका पूरा लेवल खुद डिजाइन करके दोगे हर एक पार्ट में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में फ्रंट हैंड में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है, ये सबसे लोवेस्ट पैटर्न है ग्रोथ का। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर में क्या है, इनिशियल कंडीशन पे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक ने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भारी कंपटीशन है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट लेके आता है, जो भी सोचो लाइसेंस बनाता होगा वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लेके आता है, और 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ तक के जो टेंडर है उसमें बहुत मारामारी है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हो, आप 5 साल 7 साल देते हो इस इंडस्ट्री में, तो आपकी टेंडर की वैल्यू बढ़ जाती है। आप अच्छा काम, अच्छा टेंडर आपको कम रेट में मिल जाता है, मतलब ज़्यादा बिलो नहीं जाना पड़ता, आप कट टू कट या पॉजिटिव में भी आप अपना टेंडर ले सकते हो। थोड़ा बाहर मार्केट से जाते हो, अपने जो सिटी है उससे आउटर एरिया में जाते हो, रिमोट लोकेशन में जाते हो, तो आपको गवर्नमेंट टेंडर में एक अच्छा अर्निंग मिलता है। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिनके पास इनफ्रंट अमाउंट है। यदि आपके पास इनफ्रंट अमाउंट नहीं है तो रोलिंग मार्जिन, रोलिंग जो अमाउंट है आपको अरेंज करके रखना पड़ेगा। आपके पास ऐसे इन्वेस्टर होने चाहिए जो आपके कहने पर पैसा इन्वेस्ट कर दे, कि आप उनको रिटर्न तो करोगे। देखो जो गवर्नमेंट का काम है, काम होगा तो पैसा जरूर मिलेगा। हाँ, हो सकता है कभी कभार लेट हो जाए, लेकिन पैसा मिलेगा जरूर। इसमें काम पैसा तभी फंसता है जब आप काम खराब करोगे, और इसकी तो हम उम्मीद करते ही नहीं हमारे सिविल इंजीनियर से कि कोई काम खराब कर सकता है। एंड द लास्ट वन, बिल्डरशिप वर्क। बिल्डरशिप वर्क में भी ये भी एक ऐसा काम है जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। मतलब कि यदि आपका रिलेशन, आपका नेटवर्क बिल्डिंग अच्छा है, तो आप किसानों से खेत लेके किसी पूंजीपति से इन्वेस्ट करवा के आप वहां बिल्डिंग बना के अपना कमीशन ले सकते हो। मतलब कि ऐसा लोकेशन चूज करो जो खेती नहीं करता, कुछ सालों से बंजर पड़ी हुई है जमीन है, और कुछ कैसे ऐसे इन्वेस्टर पता करो जिनके पास इनफ्रंट अमाउंट पड़ा हुआ है, जिनके पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं उनके अकाउंट पे। उनको कांटेक्ट करके अपना प्रपोजल बता के, पूरा एस्टिमेशन प्लानिंग बता के कि कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितने रुपए में वो प्रोडक्ट बिकेगा, कितने दिनों तक उसका अमाउंट फिक्स्ड रहेगा, कह सकते हो इसको कि जाम रहेगा एक जगह पे, और उसके बाद कितना रुपए का प्रॉफिट आएगा। देखो बैंकों में प्रॉफिट आज FD हो गया 5% से 6%, जो म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं वो लंबा समय 15-20 साल करोगे तब जाके अब 13-15% का इन्वेस्टमेंट है। SIP में भी 10-12% का रिटर्न है। लेकिन बिल्डरशिप ऐसा है जिसमें आपको 25-30% तक ईयरली ग्रोथ मिल सकता है, लेकिन प्लानिंग जरूरी है। ये पूरा बिजनेस टैक्टिक एक ही तरीके से है कि किस तरीके से आप नेटवर्क बिल्डिंग करते हो, आप रिक्वायरमेंट समझते जाओ और लोगों को इंगेज करके उनको काम समझाते जाओ। ये हर एक पार्ट में आप अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। यदि किसी भी पार्ट में आपके पास एक यूनिक आइडिया है कि आप इस इंडस्ट्री को कुछ अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी शेयर करो, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर जो आप शेयर करते हो वो लोगों को नहीं दिखता, वो सिर्फ सिविल गुरुजी को दिखेगा। आप अपना मेल आईडी भी जो शेयर करोगे वो पब्लिकली नहीं होता, वो सिविल गुरुजी को ही दिखेगा, क्योंकि यूट्यूब ने इतना अच्छा सिस्टम भी बना रखा है कि आप शेयर जरूर करोगे, आपको लगेगा कि पब्लिक हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ हिडन होता है। जब हम चाहेंगे तभी वो पब्लिक होगा, और हम ऐसा चाहेंगे कि नहीं कि आपका जो प्राइवेसी हो वो हम किसी को पब्लिक करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी सेक्टर में, स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में फ्रीलांसिंग सेक्टर। अभी तक जो हम बात करते हैं इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो बिजनेस है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन फ्रीलांसिंग एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें आपको आपके घर से ही रह के काम करना है। मतलब समझ लो वर्क फ्रॉम होम आप काम कर रहे हो, और इतना अच्छा तरीका कि फ्रंट हैंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इसमें टेक्निकल स्किल की होना बहुत जरूरी है। यदि आपको आपने अभी तक अपना ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं किया तो नीचे बोर्ड लाइन पर नंबर है 9111001234 में कॉल करो, तुरंत कॉल करो और पता करो किस तरीके से आप अपना लर्निंग बढ़ा सकते हो, क्या क्या सीख के आप इस इंडस्ट्री के एक एक्सपर्ट बन सकते हो। इसके लिए मैंने एक डाउनलोडिंग लिंक दिया हुआ है, सबसे पहला लिंक है डाउनलोडिंग लिंक, आप वहां जाके क्लिक करके उसको डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए कि क्या क्या आपको सीखना है इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए। जो भी मैंने ये बिजनेस के बारे में बात किया, ये सारे बिजनेस आप कर सकते हो सिर्फ ये टेक्निकल स्किल सीख के, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, इस नंबर में कॉल करके भी आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीलांसिंग सेक्टर। फ्रीलांसिंग सेक्टर का मतलब आप अपने टेक्निकल स्किल के साथ YouTube वीडियो ब्लॉगिंग, सबसे अच्छा पार्ट आज जो इंडस्ट्री में समझ लो कि जितने यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियर दीपक कुमार, सिविल साइड विजिस राहुल शर्मा सर, लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी मुकेश शाह सर, अंजनी कुमार सर, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आज के समय पे अपने जॉब के साथ साथ
YouTube वीडियो से बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। एक हमारे मित्र हैं अमित सोनी सर एक अच्छे पोस्ट में रहते हुए YouTube चैनल चला रहे हैं, जिनकी हेल्प से उनको आज एज अ PMC बहुत सारे जगहों से कॉन्ट्रैक्ट आता है कि आइए हमारे साइट में विजिट करने के लिए, हम आपको इन्वाइट कर रहे हैं कि आइए और हमारे कंपनी का सिस्टम बना दीजिए। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं कि आप हमारे चीज़ों को प्रमोट कीजिए एज अ ब्रांड एम्बेसडर, एज अ एफिलिएट मार्केटर, कि उनको बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। रीजन क्या है? उन्होंने काम स्टार्ट किया YouTube वीडियो ब्लॉगिंग, जिसको जीरो इन्वेस्टमेंट, YouTube वीडियो बनाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता यार। फोन आप जिस फोन से मेरे को आप देख रहे हो, तुरंत आप वीडियो बंद करके कैमरा चालू करो, वीडियो रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड अपना कंटेंट बनाना चालू करो। कंटेंट कहां से आएगा उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। जो कोर्स आप सीख रहे हो उसमें करीब करीब 550 से ज्यादा वीडियो है, 550 से ज्यादा वीडियो, और लगभग हम हर महीने 10-15 वीडियो ऐड करते ही जाते हैं। तो आपको कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी, जो सीखोगे वो बनाते चले जाओ। नेक्स्ट है कंटेंट ब्लॉगिंग वेबसाइट। अब बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको बोलना अच्छा नहीं आता, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, या ऐसे रीजन से बिलोंग करते हैं जिनकी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, तो उसकी भी कोई घबराने की बात नहीं है। आप एक फ्री का वेबसाइट करीब करीब 700-800 रुपए में एक अच्छा वेबसाइट, जिसको वर्डप्रेस वेबसाइट बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, आपको कोई भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट डायल को फोन करो, वो आपको एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना के दे देगा सिर्फ और सिर्फ 700-800 रुपए में, एक साल के लिए। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है यार, 700-800 रुपए हो सकता है आप दारू पी के उड़ा देते होंगे एक रात की पार्टी में। तो कंटेंट ब्लॉगिंग, आप उसमें कंटेंट लिख सकते हो। अगेन, जो वीडियो फेमस है इस इंडस्ट्री में उसे कंटेंट लिखते जाओ, फ्री में, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, 700 रुपए से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ कुछ 645 रुपए का उनका एक स्टार्टअप पैकेज, स्टार्टअप बंडल पैकेज, आप उसको परचेस कर सकते हो। उसमें आपको मेल आईडी मिलेगा, आपको वेबसाइट मिलेगा, URL जिसको बोलते हैं, जिसको डोमेन कहा जाता है, जैसे कि www.sivilguruji.com, ये डोमेन आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे, आपके अपने डोमेन, यूनिक डोमेन बनाओ, कंटेंट लिखते जाओ, और 4-6-8 महीने में आपकी ब्लॉगिंग यदि अच्छी, आपके कंटेंट अच्छे हैं, लोग ट्रैफिक आती है, तो गूगल के एडसेंस चालू हो जाते हैं और वहां से आप बहुत अच्छी अर्निंग चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। यूट्यूब और कंटेंट मार्केटिंग से आप बहुत अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। जिस तरीके से हर एक जगह पे, जैसे कि हमारे यहां रिफर एंड का प्रोसेस है कि आप रिफर करो आपकी अर्निंग होगी, जिस तरीके से यूट्यूबर्स यूज करते हैं, उसी तरीके से आप भी अपने चैनल के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हो। यदि आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानकारी चाहिए, सिविल गुरुजी का क्या एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है 9111001234 में कॉल करके ये जान सकते हो कि कैसे आप कोर्स के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। कि बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं, जैसे कि मैं एक एजेंसी को जानता हूं, makemyhouse.com। makemyhouse.com क्या करता है कि यदि आप किसी रीजन से बिलोंग करते हो, मान लेते हैं कि आप भोपाल के रहने वाले हो और आपकी डिजाइनिंग अच्छा है, तो आप क्या करोगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट करोगे और कहोगे कि आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, आप मुझे काम दीजिए, मैं आपको काम सबमिट करूंगा, आप मेरे को पेमेंट करते जाना। ये है आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। आप घर बैठे बहुत सारे अलग अलग एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि भैया जब आपके पास काम आएगा, देखो मेरे पास कितने सारे काम है, मैंने कितने सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, बहुत सारे डिजाइनिंग बना लो पहले से, उनको सबमिट करो अपने प्रोजेक्ट, जिसको पोर्टफोलियो बोलते हैं, पोर्टफोलियो सबमिट करो, उनके पास से आपके पास काम आएगा, काम कंप्लीट करो, और घर बैठे बहुत आसानी से हर दिन का यदि 1 से 1.5-2 भी ड्राइंग बनाते हो, तो आपको 500-700-1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए के आसपास, जैसी आपकी डिमांड है, जैसे आप अपना बोलिए लगाते हो, स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा नहीं लेना चाहिए, स्टार्टिंग में ज्यादा काम लेना चाहिए, कि जितना ज्यादा आप एक्सपर्ट बन जाओगे इन फ्यूचर तो आपको अर्निंग करना ही है। नेक्स्ट है उसी के साथ स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। कि जो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग हो रहा है उसका स्ट्रक्चर भी होगा, और यदि आपके पास सॉफ्टवेयर का स्किल है और साथ ही साथ एमटेक स्ट्रक्चर का पावर है, यदि आपने एमटेक किया हुआ है, तो बहुत ही आसानी से आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में अपना फ्रीलांसिंग करियर बना सकते हो। जैसे फ्रीलांसिंग में आपका नाम हुआ, देखो YouTube और फ्रीलांसिंग बहुत ही आसान है, कि YouTube से आपने अपना ब्रांड बिल्डिंग किया, अपने खुद के नाम को आगे बढ़ाया, और स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर डिजाइनिंग या फ्लैट मार्केटिंग के थ्रू आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। आज यूट्यूबर ₹2,00,000-2,00,000, 3-3 लाख रुपए पर मंथ का कमा रहे हैं। सैलरी अभी भी वही है 10-20-25,000-30,000 रुपए, लेकिन फिर भी यूट्यूब के जरिए क्या किया है, पिछले 2 सालों से यूट्यूब में लगातार वीडियो डाल रहे हैं, पिछले 3 सालों से YouTube में लगातार वीडियो डाल रहे हैं, लेट अभी भी नहीं हुआ है, आपको अभी स्टार्ट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर। जिस तरीके से बिजनेस की बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट, उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर। कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट के लिए आपको थोड़ा सा तामझाम करना पड़ सकता है, ऑफिस ऑफिस बनाना पड़ जाएगा कि आपको कंसल्टेंट बनना है, कि लोग आए आपसे मिले, लेकिन कंस्ट्रक्शन सुपरविजन में कोई भी काम नहीं करना है, कि जितने काम हो रहे हैं साइट पे आप उनके पास जाओ, उनको अच्छा सर्विस दो, उनको फ्री में सर्विस दो, उनके उनके घर में और क्या क्या चीज अच्छा हो सकता है वो बताओ, और उनसे कहो कि यदि आप मेरा विजिट चाहते हो कि मैं महीने में 2-3 बार आऊं, तो आप मेरे को महीने का 500,000 रुपए दे दो, मात्र 500,000। और यदि आपने 15-20 घर पकड़ लिए ना, तो 15,000-20,000 रुपए आपका अर्निंग करने लग जाओगे फ्रॉम फर्स्ट डे।
फ्रॉम फर्स्ट डे, और आप उसको जाके बताओगे क्या कि आप वहां जाके करवाओगे क्या, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, 9111 00 में कॉल करो, आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग हम देंगे कि वहां जाके आप क्या परफॉर्म करो। डेली शाम को डाउट सेशन होता है, साइट का फोटो वीडियो खींच के लाओ, अपने ट्रेनर से डिस्कस करो कि सर मैं इसको और क्या सिखा सकता हूँ यहाँ पे, और अच्छा क्या करना चाहिए, पूरा ट्रेनर आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लाइंट बिलिंग। ये कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट बिलिंग, आज कॉन्ट्रैक्टर सब के सब अंगूठा छापे हैं, बेचारे को गवर्नमेंट की बिलिंग और कॉन्ट्रैक्टर की बिलिंग बनानी आती नहीं। अब ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो बड़ा काम नहीं करते, छोटा ही काम करते हैं, और कंपनी के इंजीनियर पे भरोसा करके करते हैं कि यार कंपनी का इंजीनियर सही बिल बनाएगा, लेकिन कोई भी कंपनी का इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर का नहीं होता, वो अपनी कंपनी का होता है। वो तो बेचारे कॉन्ट्रैक्टर हमेशा उस अपने बिलिंग पे कम ही पैसा अचीव कर पाते हैं। इसलिए ये जो फ्रीलांसिंग है, यदि आपको बिलिंग आ गई, ये भी हम आपको इसी कोर्स में सिखाते हैं, यदि आपने कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग और क्लाइंट बिलिंग सीख लिया तो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर सकते हो एक साथ, और उनका पर डे एक एक कॉन्ट्रैक्टर का अलग अलग दिन जाके बिल बनाओ। बिल बनाना बहुत ही आसान प्रोसेस होता है, सबसे दुनिया का सबसे आसान काम, क्योंकि जो हो चुका है उसका मेजरमेंट लेना है, बस आपको टेप खोलते जाना है, मेजरमेंट लिखते जाना है, कुछ समय बाद अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप ड्राइंग से बिल बनाना चालू कर दोगे। तो कॉन्ट्रैक्टर एंड क्लाइंट बिलिंग बहुत ही अच्छा फ्रीलांसिंग का ऑप्शन है, आपको कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं होगी, आप सेम डे फर्स्ट डे से सेल्फ एम्प्लॉयड होगे। एंड द लास्ट वन इज रिक्रूटमेंट सर्विसेज। ये ऐसा एजेंसी है कि यदि इस दुनिया का हर पूरी दुनिया खत्म भी हो जाए ना, तो भी ये एजेंसी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि जॉब सबको चाहिए। और यदि आपका नेटवर्क बिल्डिंग बहुत अच्छा है, यदि आपका डीलिंग नेगोशिएशन बहुत अच्छा है, तो अलग अलग कंपनी से जाके आप नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि हर कंपनी में रिक्वायरमेंट होता है, बस कंपनी उसको पब्लिश नहीं करता। यदि आप इस काम को पब्लिश कर सकते हो, और यदि आप इस बॉन्डिंग को कर सकते हो एज अ मीडिएटर, कि किसी को जॉब चाहिए और किसी को कैंडिडेट चाहिए, यदि आपके पास नेगोशिएशन स्किल अच्छा है, तो आप बहुत ही आसानी से एक रिक्रूटमेंट सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी पैसे का। बस आपको विजिट करने के लिए तेल लगेगा जो आपके आपके बाइक में डलाना है, बस उसी तेल का खर्चा यदि आप बेयर कर सकते हो, तो ये भी सर्विस आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो। ये सारे टॉपिक में यदि आपके पास कोई भी ऐसा यूनिक आइडिया है जिससे आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, और आपको फंडिंग की जरूरत है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना छोटा सा प्लान लिख के बात करो कि जिससे कि हम आपको कॉन्टैक्ट करें, और आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, तो आपकी जो प्लानिंग है यदि वो एग्जीक्यूट करने के काबिल होगा, हम डिस्कशन करके तय करेंगे, और उसके बाद सिविल गुरुजी आपको फंडिंग करेगा आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊंगा, और किस तरीके से आप अमीर बन सकते हैं इसके लिए हम हमेशा तैयार हैं, बस मेहनत आपको करना है, गाइडेंस हमेशा हमारा बरकरार रहेगा। थैंक यू सो मच। पूरे जोर से जुनून के साथ हमेशा मिलते रहेंगे, ये करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।